क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी एक औरत ने बनाई थी? या सबसे पहली फ्लाइंग मशीन बनाने वाले साइंटिस्ट को असल में परिंदों की तरह उड़ने का शौक था? या एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट इजाद करने वाले एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे? आइए जानते हैं उन मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को इल्म नहीं। अबू अल कासिम अल ज़हरावी। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौजूदा दौर में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर सर्जिकल डिवाइसेस ज़हरावी की इजाद है। यही नहीं बल्कि मेडिकल साइंस में रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होने वाली 30 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल एक अहम तसनीफ मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया किताब अल तसरीफ भी ज़हरावी की तसनीफ है। इब्ने खुलदून। अफ्रीका के मुल्क टूनीसिया में 1332 CE में पैदा होने वाले मशहूर सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और हिस्टोरियन कोई और नहीं बल्कि इब्ने खुलदून थे। ये इब्ने खुलदून ही थे जिन्होंने 1337 में अल मुकदमा किताब को तसनीफ किया। हिस्टोरियोग्राफी, कल्चरल हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की एकेडमिक फील्ड्स में इब्ने खुलदून की अल मुकदमा को फाउंडेशनल वर्क की हैसियत हासिल है। अब्बास इब्ने फरनास। मॉडर्न डे स्पेन कॉर्डोबा में पैदा होने वाले इब्ने फरनास को आज वेस्ट वर्ल्ड में अरमीन फरमान के नाम से जाना जाता है। बचपन से इब्ने फरनास को परिंदों की तरह उड़ने का शौक था। ये शौक उन्हें दुनिया की पहली फ्लाइंग मशीन और पैराशूट की इजाद तक ले गया। अब्बास इब्ने फरनास के बनाए हुए डिज़ाइन से मशहूर इटालियन आर्टिस्ट और इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची ने इंस्पिरेशन हासिल की। फातिमा अल फहरी। 800 AD में मराकश के एक मालदार ताजर के घर पैदा होने वाली फातिमा अल फहरी मदर ऑफ बॉयज के नाम से जानी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि फातिमा ने मुतअद्दद स्टूडेंट्स को तालीम देने के गर्ज से दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कायम की। ये यूनिवर्सिटी 845 AD में अल करवीन के नाम से मशहूर थी और 1200 साल गुजरने के बाद आज भी अल फहरी की कायम करदा इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे तुलबा के लिए खुले हैं। मोहम्मद इब्ने मूसा अल खोज़मी। पर्शिया से ताल्लुक़ रखने वाले पर्शियन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोलॉजर, जियोग्राफर और स्कॉलर अल खोरिज़्मी को कौन नहीं जानता। एल्गोरिथम का आइडिया देने वाले अल खोरिज़्मी 780 CE उज़्बेकिस्तान के शहर खोरिज़्म में पैदा हुए। उनकी मशहूर किताब किताब अल जबर वल मुकाबला की ट्रांसलेशन दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में फाउंडेशनल लिटरेचर के हवाले से पढ़ाई जाती हैं। मैथमेटिक्स की दुनिया में आज भी अलजेब्रा के लिए अल खोरिज़्मी को सनद माना जाता है। इस मशहूर किताब ने यूरोपियंस की दुनिया के लिए हिंदू अरबिक न्यूमरल्स और अलजेब्रा को रोशनास कराया। इब्न अल हैसम। इराक के शहर बसरा में 965 CE में पैदा होने वाले मशहूर मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनोमर, फिजिसिस्ट इब्न अल हैसम, जिन्हें आज भी पूरी दुनिया में द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। ये अल हैसम ही थे जिनकी किताब किताब अल मनाजर ने दुनिया के देखने को नया तरीका मुतारफ कराया। अल हैसम ने दुनिया का सबसे पहला पिन होल कैमरा भी इजाद किया जिसे कैमरा ऑफ सिक्योर के नाम से जाना जाता है। अबू हसन अली इब्ने नफ़ी। अबू हसन अली इब्ने नफ़ी, जिन्हें पूरी दुनिया ज़रियाब के नाम से जानती है, ज़रियाब इराक के शहर मोसुल में 789 CE में पैदा हुए। इब्ने नफ़ी का नाम ज़रियाब उनकी सुरीली आवाज़ की वजह से पड़ा। ज़रियाब ने मिडल ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट ओद में 5वीं तार का इजाफा करके उसको बेहतर बनाया। इस्माइल अलजज़ारी। फादर ऑफ रोबोटिक्स के नाम से मशहूर अलजज़ारी 1136 CE में आज के तुर्की के शहर दियारबाकर में पैदा हुए। अलजज़ारी एक मशहूर इन्वेंटर और अपने ज़माने के सबसे माने जाने वाले मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। वाटर पम्प से लेकर म्यूजिकल ऑटोमेटन्स तक अलजज़ारी की ये गैर मामूली मशीनें प्रैक्टिकल वर्क से लेकर प्लेजर तक सब काम बखूबी करती थी। इब्ने सीना। इस्लामिक गोल्डन एज के सबसे मशहूर फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, थिंकर्स एंड राइटर में से एक इब्ने सीना उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में 980 CE में पैदा हुए। मगरब में इन्हें एविसेना के नाम से जाना जाता है। उनकी मशहूर तसानीफ किताब अल शिफा और अल कानून फिल तिब को कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक का दर्जा हासिल था।